अस्सलाम वालेकुम। दुआ अल्लाह के यहाँ सबसे मोतबर इबादत है, जो पहाड़ों को भी सर करने और हैरत अंगेज ताकत है। तकिए पर आंसू बहाने से हालात नहीं बदलते। जाओ नमाज पर आंसू बहाओ और सारी परेशानियाँ बह जाएंगी। कितनी वीरान सी रह जाती है दिल की बस्ती, कितने चुपचाप से चले जाते हैं जाने वाले। जिंदगी कभी कभी ऐसी ठोकर मारती है कि इंसान सीधा सजदे में जा गिरता है। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। अब मौजा होगा और हमारी कहानी मुकम्मल हो जाएगी। हुक्म होगा रहम का और लिखी हुई तकदीर बदल जाएगी। अब मेहरबानियाँ होंगी, अब तुम्हारी पुकार सुन ली जाएगी। अब रब राजी हो जाएगा, अल्लाह और तुम्हारी तृप्ति रूह को सुकून मिल जाएगा। अब करिश्मे होंगे यकीन के और अर्श से कुन की सदा आएगी। लोग तुम्हारी दिल आजारी करने के बाद ऐसा रवैया दिखाएंगे जैसे तुम ने इनकी दिल आजारी की हो। अल्लाह से मांगो फिर मांगो, मांगते रहो, वो देगा, वही देगा, क्योंकि वही दे सकता है। अहमक हमेशा मोहताज रहता है, अकलमंद हमेशा गनी रहता है और लालची हमेशा जिल्लत में गिरफ्तार रहता है। जो शख्स गुनाह पाप और बड़बड़ी बरी हो जाए तो नहायत दिलबर होता है। जिसने ऐब हो वो शख्स सख्त बुजदिली होता है। अकलमंद शख्स फिक्र गम में मुब्तला रहता है।